मैं न्यू ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल सकरण से साइंस टीचर। आज हम फोर्थ क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, अवर बॉडी। आगे वाले टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसका नाम है, जैसे कि हम कोई भी अगर खाना खाते हैं या फिर कोई भी जूसेस हम पीते हैं, तो वो हमारा खाना जो है या फिर जूसेस जो है कहाँ जाते हैं, वो हमारे स्टमक में जाते हैं। स्टमक हम मैदे को कहते हैं। स्टमक इज जे शेप्ड बैग। स्टमक जो होता है वो हमारी अल्फ़ाबेट जो होती है, अंग्रेजी अल्फ़ाबेट जो होती है, उसके जे जैसा एक बैग होता है, उसकी शक्ल जो होती है वो जे की तरह होती है, लेटर की तरह होती है। द स्टमक परफॉर्म थ्री इंपॉर्टेंट फंक्शन। स्टमक जो होता है, मैदा जो होता है, वो तीन अहम काम जो है परफॉर्म करता है, फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। फर्स्ट इट स्टोर द फूड। वो जो खाना जो हम खाते हैं वो उस फूड को जो है, उस खाने को जो है स्टोर करता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो स्टोर जो है वो करता है, स्टमक करता है। इट ब्रेक्स डाउन द फूड, डाइजेस्ट इट एंड कन्वर्ट इट इंटू अ लिक्विड लाइक अ मिक्सचर। वो हमारे खाने को जो है मजीद ज़्यादा टुकड़ों में ब्रेक डाउन करता है और डाइजेस्ट करता है, ज़्यादा छोटे से छोटे टुकड़ों में तब्दील कर देता है और कन्वर्ट करता है उसको लिक्विड में, लिक्विड मिक्सचर में। इट पासेस द लिक्विड मिक्सचर टू अनदर बॉडी पार्ट इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्बिंग ऑल द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट। वो जो खाना जो होता है वो मिक्सचर जो होता है वो आगे वाले पार्ट में जो है भेज देता है, जिसको हम इंटेस्टाइन कहते हैं। और वो इंटेस्टाइन जो होता है वो उस न्यूट्रिएंट को जो है एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि हमारा स्टमक है वो एक मिक्सचर की तरह काम करता है, कोई अगर मिक्सचर होता है ग्राइंडर जिसकी मशीन होती है उसकी तरह काम करता है। कोई भी अगर हम खुद मिक्सचर में डालते हैं तो फिर वो उसमें लिक्विड में उसको कन्वर्ट कर देता है। और अगर हम कोई भी स्पाइसी खाना खाते हैं या फिर कोई भी मिर्ची वाला खाना खाते हैं या फिर खाना ज़्यादा खा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी हमारा स्टमक जो है फूल जाता है या फिर हमें जो है मोटापा जो है हमें आ जाता है या फिर अल्सर जैसी बीमारी जो है वो हमारे आ जाती है हमारे अंदर। उसके बाद हम टीथ, टीथ जो है दांत को कहते हैं। टीथ का काम जो है, द फंक्शन ऑफ टीथ इज टू हेल्प यू च्यू योर फूड सो दैट इट कैन बी डाइजेस्टेड मोर इजीली। टीथ का काम होता है कि वो हमारे फूड जो होता है, जो भी हम खाते हैं खाना, उसको चबाने में काम करता है, चबाने में हेल्प करता है, ताकि वो हमारा खाना है वो सही तरीके से या फिर आसानी से जो है वो डाइजेस्ट हो सके। टीथ के जो है दो सेट्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी टीथ होते हैं जो कि छोटे बच्चों को होते हैं, 3 साल के बच्चों से स्टार्ट होते हैं, जिनको हम मिल्की बेबी टीथ कहते हैं। उसके बाद जो है परमानेंट टीथ होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कोई एडल्ट जो बंदा होता है, एडल्ट इंसान जो होता है उसको उससे स्टार्ट होते हैं। तो टीथ का काम ये था कि वो हमारे खाने को चबाने में जो है मदद करते हैं और ताकि आसानी से जो है वो फूड जो है डाइजेस्ट हो सके। अगर हम टीथ को जो है मिसवा या फिर हम टीथ का रोज़ ब्रश नहीं करेंगे या फिर उसका उसकी सफाई नहीं करेंगे, तो हमारी जो है कैविटीज़ वगैरह या फिर हमारे जो टीथ जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आई हो तो हमारे स्कूल के कॉन्टेक्ट नंबर पर जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।